अक्सर हम ये बातें सुनते हैं कि सोलोप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर, ये वर्ड का मतलब क्या होता है और ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। देखिए, एंटरप्रेन्योर जब भी हम इस वर्ड को सुनते हैं, इसका मतलब होता है वैसा आदमी, वैसे पर्सन जो कि अपना एक आइडिया, अपने आइडियाज को वो एक बिजनेस में कन्वर्ट करता है और एक अपना बिजनेस का स्टार्टअप करता है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और वो अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस करके लोगों को जॉब भी देता है, उसके लिए हायर भी करता है। अब चलिए बात आपको बताते हैं हम सोलोप्रेन्योर के बारे में। सोलोप्रेन्योर का मतलब होता है, इससे एक नया वर्ड आता है, सोलो प्लस एंटरप्रेन्योर, ये वर्ड ही आते हैं। सोलोप्रेन्योर का मतलब होता है वैसा अकेला, मतलब वैसा आदमी जो अकेले रहे, और एंटरप्रेन्योर जो कि एक अपने बिजनेस का स्टार्टअप करे। सोलोप्रेन्योर का मतलब होता है वैसा आदमी जो अपना काम और अपना बिजनेस खुद अकेले ही करता है। अगर एक एग्जाम्पल लें, एक व्यक्ति है, एक इंसान है, उसने अपनी एक फोर व्हीलर कार खरीदी, उसके बाद वो खुद ही उसमें ड्राइवर हो गया और वो खुद ही अपना वो जो है सारा उसमें बिजनेस करेगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सोलोप्रेन्योर, ठीक है। तो सोलोप्रेन्योर वो होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी खासियत भी होती है अगर वो बन जाते हैं कोई भी। अभी देख लिए पूरे इंडिया में आत्मनिर्भर भारत जिसे कहते हैं, वो एक तरफ से सोलोप्रेन्योर है, ठीक है। और सोलोप्रेन्योर जो भी होते हैं उसके पास बहुत सारे मतलब फायदे हैं। उससे सबसे पहला आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होगी। आप कहीं पे जॉब करने जाएंगे तो वहां पे आपको 9 से लेकर 9 बजे रात तक काम करनी होगी, या 6 बजे सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक काम करनी होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहे अपना खुद के लिए रहते हैं, आपके पास टाइम फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहे 6 से 9 काम करें या 9 से 10 करें, आपकी मर्जी। आप ज्यादा वर्क करेंगे ज्यादा ग्रो होगा। और नंबर सेकंड क्या है, इसमें आपको फ्रीडम मिलता है कि आप जितना चाहे काम करें, जितना कम चाहे काम करें, ये आप पे डिपेंड करता है। और थर्ड नंबर जो होता है कि आप इसमें आप खुद के अपने बिजनेस, अपने बॉस होते हैं, अपने बिजनेस के आप खुद के बॉस होते हैं। और उसके बाद बॉस होने के बाद आप पे कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं रहता, आप चाहे जितना ज्यादा वर्क करें और जितना कम चाहे वर्क कर सकते हैं। और नंबर क्या है आपका 4, इसमें क्या है, आपके जो डिजायर है आप उसको पूरा भी कर सकते हैं। और इसमें जो भी और भी सारे बहुत सारे काम होते हैं, आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपने सक्सेस पाया तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप अपने बिजनेस में फेलियर होते हैं तो ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सोलोप्रेन्योर का मतलब ही होता है कि वो वैसा आदमी जो कि अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है और खुद से बहुत ज्यादा एम्पायर खड़ा करता है, अपना एक ब्रांडिंग बनाता है। इससे अगर उसके बिजनेस ज्यादा ग्रो हो रही है, उससे उसका बहुत अच्छा इनकम भी आता है। और इसमें यह है कि आप चाहे जितना अच्छा इनकम करेंगे कर सकते हैं, अगर आप ज्यादा काम कर रहे हैं तो आपको ज्यादा इनकम मिलेगा, है ना। और उसके बाद जो है आप इसमें अगर आपकी ज्यादा बिजनेस बड़ी होगी तो आप इम्प्लॉय को भी रख सकते हैं, उसके लिए लोगों को हायर कर सकते हैं जॉब के लिए। तो मेरे ख्याल से आजकल बहुत सारे इंडिया में सोलोप्रेन्योर हो रहे हैं। तो मेरी वीडियोस को जो जो देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सोलोप्रेन्योर है और कौन कौन एंटरप्रेन्योर है, कमेंट करें।